चा भैया एक बात बोलूं, अपन के गांव में पानी की बड़ी समस्या है यार। हमें पानी भरने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है और उस गांव वाले भी बड़े चिक चिक करते हैं पानी भरने में। दिमाग इतना खराब हो रहा है कि सोच रहे अपने गांव में भी एक हैंडपंप लगवा दें। मोदी जी बात तो आप सही कह रहे हो, पानी भरने में वाकई बड़ी दिक्कत होती है, पर हैंडपंप लगवाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे अपन लोगों के पास इतने है नहीं जो हैंडपंप लगवाया जा सके अपने गाँव में। चा भैया हैंडपंप तो अपने गाँव में लग सकता है, अगर जो पूरे गांव से हर घर से चंदा इकट्ठा किया जाए तो हैंड पंप के पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे, और नहीं लगवाने की बात तो वो हमारे दरवाजे पे लगवा देना, वहां से सब लोग पानी भरा करेंगे। देखो मोदी जी, अगर जो तुम्हारे घर पे हैंड पंप लगेगा तो मैं चंदा एक पैसा भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पे भरोसा नहीं है। बताओ, औरतों के बीच में तुम पानी भरने आते हो, तुमको शर्म तो आती नहीं है? अरे ममता दीदी, इसमें शर्म की कौन सी बात है, हम लोग तुम्हारे साथ आते हैं इसलिए तुम लोगों की सुरक्षा भी हो जाती है, तुमको कोई कुछ कहता नहीं है इसलिए तो हम तुम लोगों के साथ आते हो, तुम हमारे ऊपर ही शक कर रही हो। मोदी जी, हम लोगों को दूसरों से खतरा हो ना हो तुमसे जरूर खतरा रहता है, हमें तुमसे ही डर लगता है, इसलिए भाई हम लोगों के साथ पानी भरने मत आया करो। क्यों सोनिया बहन? ममता दीदी तुम सही कह रही हो, हमको तो वाकई इन लोगों से बहुत डर लगा रहता है, जब तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक डर ही लगा रहता है। ये देखो साको एकदम हमारे पीछे ही चलते हैं, ये नहीं इनको साइड में चलना चाहिए, ये पीछे ही लगे रहते हैं, इसलिए भाई बहुत डर लगता है इन लोगों से। सोनिया जी, पीछे मैं इसलिए चलता हूँ कि तुम लोगों को पीछे से आके कोई कुछ कहे ना, इतने दूर से हम पानी भर के लेके आते हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है तो इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं कि तुम लोगों को पीछे से कोई अटैक ना करे, इसलिए पीछे रहते हैं, और ऊपर से तुम हम पे ही इल्जाम लगा रहे हो, बताओ ये कोई अच्छी बात नहीं है? सा भैया ईमानदारी को तो जमाना ही नहीं रह गया, बताओ हम तो इनके हेल्प में लगे रहते हैं, ऊपर से हम पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन स्मृति जी कुछ नहीं बोलती, वो हमको सही लगती हैं कि वो कुछ बोलती नहीं, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाती हैं। मोदी जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती तुम लोगों के साथ आने में, ऊपर से हम लोगों का हेल्प ही हो जाता है, पानी उनी भरवा देते हो, इन गधों पे पानी भी लगवा देते हो, और ऊपर से साथ साथ चलते हो तो डर भी नहीं लगता रास्ते में। अब पता नहीं क्यों इन लोगों को तुमसे दिक्कत होती है। स्मृति जी इसीलिए तो कह रहा था, अपने गांव में हैंड पंप लग जाता तो दूसरे गांव में जाने की जरूरत ही ना होती, लेकिन ये लोग बताओ चंदा देने के लिए नहीं तैयार है कि हम चंदा दे दे और हैंड पंप लग जाए। मोदी जी चंदा देने के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, पर हैंड पंप तुम्हारे दरवाजे पे नहीं लगेगा, हैंड पंप या तो हमारे दरवाजे पे लगवा दो या तो सोनिया जी के दरवाजे पे लगा दो, जब तो चंदा देंगे नहीं तो नहीं देंगे। मोदी जी अगर जो ममता दीदी को इतना दिक्कत है तुम्हारे दरवाजे पे हैंड पंप लगने से, तो इनके दरवाजे पे लगा दो, क्या दिक्कत है, चंदा इकट्ठा कर लो गाँव से और हैंड पंप का काम कल से ही शुरू करवा दो। ठीक है साहब भैया, अगर जो तुम कह रहे हो तो हैंड पंप ममता दीदी के घर पे ही लगवा देते हैं, लेकिन ममता दीदी इतना याद रखना आपको गाँव से पूरे चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, हम लोग भी साथ में इकट्ठा करवा लेंगे और हैंडपंप का काम कल से ही शुरू करवा देते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।